नेक्स्ट, ए सर्कुलर कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर डी एंड इंटरनल डायमीटर डी कैरीज ए एसेंट्रिक लोड सच दैट टेंशन इज डेवलप्ड नोवेयर, व्हाट शैल बी द डायमीटर ऑफ द कोर। ये पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू जेड बाई ए, इसका ट्वाइस करना मत भूलिएगा, इज इट ओके? ट्वाइस नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए एम का तो कोई मतलब यहाँ इशू नहीं है, जेड का है, तो जेड आपका कितना हो जाएगा, पाई बाई 64 डी फोर माइनस डी फोर डिवाइडेड बाई डी, ये जेड हो गया डी बाई टू। तो आपको जेड कितना मिला, पाई बाई 32, इसको मैं थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख देता हूं अपना एक्सपीरियंस यूज करते हुए, ठीक है। ये चीज तो हो गई आपकी जेड की। अब एरिया कितना होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इज इट ओके? अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये डी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको जेड बाई ए क्या मिलेगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर 8 डी। अब इसका ट्वाइस क्योंकि कोर पूछा है, तो आंसर क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर 4 डी।